हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस, इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme Narzo 30 की, जो कि 5G वेरिएंट्स फोन है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या खास फीचर्स मिलने वाला है, इसका लुक कैसा है, वो सारी चीज मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। तो चलिए गाइस, फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है Narzo 30 5G वेरिएंट फोन। इसको मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ और इसका जो भी फोटो सैंपल्स है वो सब निकाल चुका हूँ इसके। तो चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑलरेडी मैं खोल के रखा था इसलिए ये खुल गया है फटक से। तो ये मैंने परचेस किया है 16,000 में। तो इसमें क्या है, इसमें एक ही वेरिएंट आता है 6+128GB वाला, तो वही मैंने इसको यहाँ पे मंगाया। तो ये एक फ़ोन है, इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ, इसके अंदर निकालता हूँ। तो इसके अंदर आपको ईयरफोन देखने नहीं मिलेगा, इसमें एक चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा और ये अडेप्टर हो गया और ये इसका टाइप सी केबल। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है इसका फर्स्ट लुक Realme Narzo 30 का। इसमें दो कलर अवेलेबल है, एक सिल्वर में और एक है ब्लू में। तो ये है रेसिंग ब्लू कलर, इस तो ये मुझे पसंद आया था तो इसलिए मैंने ये वाला परचेस किया है यहाँ। तो सबसे पहले इस फ़ोन का मैं डिज़ाइन बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो साइड में पावर बटन दिया गया है, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है साथ में। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे है सिम ट्रे और यहाँ पे है वॉल्यूम अप एंड डाउन की। नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे यहाँ पे 3.5mm का जैक दिया गया है, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। तो ये है इसका लुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैट फिनिश में दिया गया है, यहाँ पे ओपेक फिनिश है, यहाँ पे लस्टर है, ये पॉलीकार्बोनेट है लेकिन यहाँ पे ग्लास जैसी फिनिशिंग इसके अंदर दी गई है। तो सिम ट्रे में आपको इसके अंदर डुअल सिम प्लस वन मेमोरी कार्ड लगाने का भी इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कैमरे के बारे में बता दूँ, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जो कि प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और माइक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का और जो डेप्थ सेंसिंग के लिए वो भी है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में यहाँ पे एक कैमरा, यहाँ पे पंच होल कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये पूरा सेटअप नहीं मांगा, डायरेक्ट खुल गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा था इसलिए। इसके अंदर आपको 6.5 इंच का स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है, फुल HD प्लस LCD स्क्रीन है। और इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, लेकिन आपको बॉक्स में 18 वॉट का चार्जर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जाते हैं अबाउट फोन में। तो अबाउट फोन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन 11 मिल रहा है और रियलमी UI वर्जन 2.0 के साथ में। यहाँ पे 6GB रैम है, 128GB इंटरनल मेमोरी दिया गया है। प्रोसेसर इसके अंदर डायमेंसिटी 700, 2.2 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अंदर एक सिस्टम दिया गया है, रैम में आप जाएंगे तो यहाँ पे 2GB एक्सपांड किए हुए थे, यहाँ पे आप 3GB भी एक्सपांड कर सकते हैं और यहाँ पे आप 5GB भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपके इंटरनल मेमोरी से यूज़ करेगा रैम को, जैसे कि यहाँ पे 3GB पे रख दिए। इसको रीस्टार्ट करते हैं फ़ोन को। यहाँ पे जाके देखते हैं सेटिंग में अबाउट फोन। 6GB तो ऑलरेडी इसके अंदर है, यहाँ पे प्लस 3GB हो गया है, यानी कि यहाँ पे अभी 9GB पे ये रन कर रहा है। इस तरीके से गाइस आप एक्सपांड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको सिंपली इसको ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका 6GB है वही रहेगा। तो ये हो गया। और इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड के जो एक्सपांडेबल है वो आपको, आप उसको 1TB तक एक्सपांड कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे कैमरा के बारे में आपको बता, तो कैमरा में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो कैमरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें नाइट मोड दिया गया है, वीडियो मोड, फोटोज, पोर्ट्रेट और 48 मेगापिक्सल पे खींचने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे स्लोमो है, टाइम लैप है और एक्सपर्ट मोड दिया गया है, पेनोरमा दिया गया है, टेक्स्ट स्कैनर और अल्ट्रा मैक्रो दिया गया है, एकदम बारीक चीज का फोटो लेने के लिए। यहाँ पे आप जब भी फोटो खींचे तो AI ऑन करके खींचेंगे तो जो कलर का जो एनहेंसमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो AI इसको ऑन ही रखे तो इससे फोटोज आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस इसका मैंने कुछ सैंपल लिया है, वो सैंपल आपको दिखा देता हूँ मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नॉर्मल फोटो खींचा गया है, इसी को मैंने मैक्रो में खींचा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसी ये फोटो आई है, यहाँ पे भी मैक्रो में लिया हुआ ये सब फोटो। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है इसकी और ये सब फोटो निकाला गया है पूरा सीन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आ रहा है इसका।
यहाँ पे मैंने नॉर्मल मोड पे फ़ोटो खींचा है और इसी को मैंने पोर्ट्रेट में फ़ोटो खींचा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी शार्पनेस बहुत अच्छी आई है, कहीं पे भी उसने एजेस छोड़ा नहीं है, तो बहुत ही अच्छा फ़ोटो आया इसका। तो यहाँ गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ोटो की क्लैरिटी कैसी है। तो गाइस आपने देख ली इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें। तो ये फ़ोन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको 5G फ़ोन चाहिए और अगर आपका बजट कम है तो ये फ़ोन आप ज़रूर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।